नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल वेब टीवी। मैं हूं बलविंदर सिंह और मैं हूं वर्षा। और आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। जयराम बोले, साल में दो बार होगी स्कूल बसों की पासिंग, ददाहू हादसे के बाद सरकार उठाएगी कड़ा कदम। वीरभद्र ने परमार को बताया, मुझे नहीं हुआ था स्वाइन फ्लू। सावधान हिमाचल, बाजार से आटा चावल खरीदने वाले संभल जाएं। छाती पर लात मारकर गिराया बुजुर्ग, पेंशन छीनकर भागे लुटेरे। व्यास की तर्ज पर अब सतलुज की भी होगी आरती, 16 फरवरी को बिलासपुर में भव्य कार्यक्रम। और साई सेंटर धर्मशाला में ट्रायल 14 से एथलेटिक्स, कबड्डी, वॉलीबॉल में भर्ती होंगी नई महिला खिलाड़ी। और अब समाचार विस्तार से। अब साल में दो बार स्कूल बसों की पासिंग होगी, साथ ही ड्राइवरों के लाइसेंस भी समय समय पर लगातार जांचे जाएंगे। शिमला में विधानसभा बजट सत्र के दूसरे दिन मंगलवार को ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सदन के समक्ष रखी। मुख्यमंत्री प्रश्नकाल में रेणुका जी हल्के के विधायक विनय कुमार द्वारा पूछे गए सवाल पर बोल रहे थे। विधायक ने पूछा था कि ददाहू में निजी स्कूल बस हादसे में सरकार ने कितनी कार्रवाई की है। हालांकि परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर ने इसका जवाब दे दिया था, लेकिन मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर सरकार की ओर से सख्त कार्रवाई अमल में लाने की बात की। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने पूछा कि यदि आरटीओ ने मना कर दिया था तो आरएम ने बस पासिंग क्यों की। इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इसकी जांच की जाएगी। दूसरी ओर परिवहन मंत्री ने बताया कि जांच के बाद सरकार ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है, साथ में स्कूल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस बात को सुनिश्चित करने के लिए विभाग को उसी वक्त आदेश दिए थे कि एक तो जो बस है उसकी प्रॉपर पासिंग हो, और उसके साथ साथ में बस के साथ साथ में जो ड्राइवर है, ड्राइवर के पास लाइसेंस हो, और लाइसेंस भी जो है वो वैलिड लाइसेंस जो होना चाहिए, जिसका सारे प्रावधान के अनुसार जो है वो सारी उसकी जो उसकी टेस्टिंग होती है, ड्राइविंग टेस्ट होता है, वो सारी चीज़ को लेकर के वो सारी प्रक्रिया के दौर में से गुजरने के बाद उसके पास वो लाइसेंस हो, उन सारी बातों का प्रावधान जो है हमने उसमें जोड़ा है। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने स्पष्ट किया कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ ही नहीं। सदन में स्वास्थ्य मंत्री विपिन सिंह परमार ने स्वाइन फ्लू पर जैसे ही वीरभद्र का जिक्र किया तो वो तपाक से बोल पड़े कि उन्हें स्वाइन फ्लू हुआ ही नहीं, वो किसी और दिक्कत के कारण आईजीएमसी में भर्ती थे। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्री ने सदन को बताया कि स्वाइन फ्लू से अब तक 16 मौतें हो चुकी हैं। पहली जनवरी से 3 फरवरी तक 329 मामले आए थे, जिसमें 113 पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से आईजीएमसी में 21 और टीएमसी में 8 और कुल मिलाकर 29 मरीजों का इलाज चल रहा है। यदि आप ओपन मार्केट से चावल आटा खरीदते हैं तो यह खबर आपके लिए है। हिमाचल के बाजारों में बाहरी राज्यों से बिना एक्सपायरी डेट के सामान पहुंच रहा है। मंडी में इस तरह का मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया। यहां बाजार में पहुंचे आटे, चावल, जीरे और मुरमुरे आदि में ना तो एक्सपायरी डेट नजर आई और ना ही पैकेजिंग डेट। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड विभाग ने औचक निरीक्षण किया तो ये तमाम खुलासे हुए। जांच में पता चला है कि कई फूड प्रोडक्ट तो ऐसे हैं जिनमें लिख तो दिया गया है कि इसे पैकिंग के 3 माह तक इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन इसमें पैकिंग की तारीख नहीं लिखी गई है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि इस मसले को प्रदेशव्यापी निरीक्षण अभियान छेड़ा जाए। बहुत से खाद्य विक्रेता आटा, चावल, दाल, तेल इत्यादि वस्तुएं बगैर किसी प्रॉपर ब्रांडिंग के बेच रहे हैं, तो इससे संबंध में उनसे विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं तथा उनसे जवाब मांगा गया है। पंजाब के बाद अब हिमाचल में भी स्नैचिंग क्राइम तेजी से बढ़ रहा है। पांवटा साहिब में माजरा थाना के तहत धौलाकुआं में बाइक सवार लुटेरों ने बुजुर्ग से पेंशन छीनकर हर किसी को सन्न कर दिया है। हुआ यूं कि रामपुर भारापुर के 102 वर्षीय बुजुर्ग गोपाल सिंह अपने वृद्धावस्था पेंशन लेने धौलाकुआं गए थे। पोस्ट ऑफिस से उन्होंने पेंशन के 3900 रुपए निकाले और अकेले ही घर की ओर चल पड़े। उन्हें पता न था कि घात लगाए बैठे दो बाइक सवार युवक उनका पीछा कर रहे हैं। कुछ ही दूरी पर अचानक युवकों ने बाइक उनके सामने खड़ी की और लात मारकर उन्हें गिरा दिया। बाद में उनके सारे रुपए छीन लिए और फरार हो गए। डीएसपी पांवटा सोमदत्त ने बताया कि शिकायत के बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया है। व्यास की तर्ज पर अब सतलुज आरती भी होने वाली है। मंडी कुल्लू में होने वाली व्यास आरती काफी लोकप्रिय है, यही वजह है कि अब सतलुज आरती होने जा रही है। हालांकि बिलासपुर में पुराने समय में ये आरती होती थी, लेकिन अब अरसे बाद ये पहला मौका होगा जब सतलुज नदी की आरती करने का संकल्प लिया गया है।
ये आरती 16 फरवरी शनिवार को साय 5 बजे आयोजित की जाएगी, जिसमें जिला प्रशासन सहित अन्य कई नामी संस्थाएं हाजिरी भरेंगी। इस नई पहल को शुरू करने के लिए बिलासपुर की सामाजिक संस्था रेनबो स्टार क्लब व कहलूर सेवा विकास संस्थान ने बीड़ा उठाया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए भाषा एवं संस्कृति विभाग एवं जिला प्रशासन तथा आयुषी इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन डिजाइनिंग इंस्टीट्यूट डीआरआर सेक्टर का सहयोग लिया जाएगा। लाहौल स्पीति जिला में मंगलवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए, इससे लोगों में कुछ समय के लिए अफरा तफरी मच गई। हालांकि रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.2 मापी गई है, इसका केंद्र चंबा था। बताया जा रहा है कि 3:55 पर लाहौल के उदयपुर व केलोंग में मंगलवार को दोपहर इन झटकों को महसूस किया गया। फिलहाल भूकंप से किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। प्रदेश में बुधवार से 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी होगी। मौसम विज्ञान केंद्र ने इस संदर्भ में चेतावनी जारी कर दी है। अनुमान है कि मैदानी क्षेत्रों में बारिश के साथ ओले गिरेंगे, जबकि ऊंचाई एवं मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी होगी। गत 22 जनवरी को हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में जनजीवन ट्रैक पर नहीं लौट पाया है। एक बार फिर से मौसम करवट बदलने वाला है। मंगलवार को प्रदेश की राजधानी सहित अन्य क्षेत्रों में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हो पाई। बहरहाल अब 8 फरवरी तक मौसम खराब रहने के आसार हैं, जबकि ऊंचाई एवं मध्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 11 तक बारिश हो सकती है। प्रदेश के अग्रणी मीडिया हाउस दिव्य हिमाचल के मेगा इवेंट्स दावर आमला मिस हिमाचल 2019 के ऑडिशन मंगलवार को पालमपुर में हुए। इस दौरान किस्मत आजमाने पहुंचे युवतियों में ऑडिशन को लेकर हाई जोश नजर आया। केएलवी डीएवी गर्ल्स कॉलेज के ऑडिटोरियम में हुए ऑडिशन के दौरान बालाओं ने रैंप वॉक कर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कार्यक्रम में केएलवी के डायरेक्टर एनडी शर्मा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे, जबकि विशेष अतिथि के रूप में राहुल कपूर, डॉक्टर मलिका अरोड़ा बरमानी, नीलम कालिया व निखिल अरोड़ा पधारे। सेलिब्रिटीज जज के रूप में मिसेस हिमाचल 2018 की फाइनलिस्ट सुषमा राणा सहित मिस हिमाचल 2018 की फाइनलिस्ट सोनाली मेहरा व सुमन सिंह ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। ऑडिशन में आई परियों ने रैंप वॉक के जरिए अपनी प्रतिभा दिखाने के बाद इंट्रोडक्शन राउंड में भाग लिया। प्रतिभागियों ने निर्णायक मंडल के हर सवाल का बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया। हिमाचल मिस हिमाचल पिजन को आयोजित करके जो मंच नई पीढ़ी को दे रही है, इससे वे अपना करियर मॉडलिंग अच्छे से बना सकती है और वो आगे चलकर एक्टिंग में भी काफी अच्छे से प्रदर्शन कर सकती है। आई फील सो गुड अबाउट दिस एंड इवन दो आई लर्न न्यू थिंग्स, मैंने अपना कंफर्ट जोन छोड़ के कुछ नया ट्राई करने को मिला। आई थिंक दैट इज द बेस्ट थिंग एंड दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस ऑल द लेडीज एंड ऑल द। किसने इंस्पायर किया आपको इस इवेंट करने के लिए? ऑब्वियसली दिव्य मंचर, बिकॉज़ आई गेट टू नो थ्रू देयर। और अब खेल समाचार। भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में रिक्त स्थानों पर नए महिला खिलाड़ियों की भर्ती की जाएगी। इसके लिए 14 से 16 फरवरी तक धर्मशाला सेंटर में ट्रायल लिए जाएंगे। प्राधिकरण धर्मशाला के प्रभारी कहर सिंह पटियाल ने बताया कि बालिकाओं के एथलेटिक्स, कबड्डी और वॉलीबॉल खेलों में चयन के लिए ट्रायल होंगे। पात्र व इच्छुक प्रतिभागी 14 फरवरी को प्रातः 9 बजे तक प्रशिक्षण केंद्र धर्मशाला में उपस्थिति दर्ज करवाएं। अभ्यर्थी की आयु व्यक्तिगत 12 से 18 वर्ष तथा टीम इवेंट में 10 से 14 वर्ष के बीच हो। व्यक्तिगत इवेंट में प्रतिभागी कम से कम जिला स्तरीय मान्यता प्राप्त स्पर्धा में पहले 3 स्थान धारक हो। व्यक्तिगत इवेंट में कम आयु वाले प्रतिभागियों को प्राथमिकता दी जाएगी। टीम इवेंट में प्रतिभागी ने कम से कम राज्य स्तरीय स्पर्धा में भाग लिया हो। केवल असाधारण प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को अगर कोई रिक्त स्थान हो तो टीम इवेंट में 14 से 18 वर्ष की आयु के तहत शामिल किया जा सकता है। और अब चलते चलते शिक्षा विभाग ने 429 प्राइवेट स्कूलों को इसी माह ऑडिट रिपोर्ट भेजने के दिए निर्देश। दवा फेल होने पर IGMC के जन औषधि केंद्र को नोटिस, फिर से उठे सवाल। हिमाचल में स्वाइन फ्लू के 15 नए मरीज, 120 तक पहुंचे आंकड़े ने उड़ाए सबके होश। अवादेवी में सड़क किनारे मजदूर की बच्ची को कुचलकर कार ड्राइवर फरार।
और हिमाचली तड़का में आइए आज सुनते हैं कमल ठाकुर की आवाज में ये हिमाचली गीत। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल, देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।